दोस्तों नमस्कार, विनुश्री एरंडोले यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस भाग में हम देखते हैं बहुत ही अच्छा बेहतरीन हिंदी निबंध छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उन्होंने अपनी माँ से सभी स्त्रियों और धर्मों का सम्मान करना सीखा। शिवाजी ने बचपन से ही तलवार चलाना, घुड़सवारी करना शुरू कर दिया था। शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में तोरणा दुर्ग जीता था। शिवाजी का विवाह सईबाई के साथ सन 1640 में हुआ। शिवाजी बहुत ही शक्तिशाली और शूर थे। महाराष्ट्र में 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। शिवाजी हिंदू धर्म, संस्कृत और मराठी भाषा के समर्थक थे, लेकिन वे अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। वे महिलाओं के साथ सम्मान से व्यवहार करते थे। शिवाजी महाराज को एक ऐसे नायक रूप में याद किया जाता है जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अधिकांश भारत को एक किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले पर हुई थी। वे भारत के एक महान सपूत थे। उनके शौर्य और पराक्रम को आज भी लोग याद करते हैं। छत्रपति शिवाजी का नाम हमेशा लोकगीत और इतिहास में एक महान राजा के रूप में लिया जाएगा, जिसका शासन एक स्वर्ण युग था, जिसने भारत की आजादी का रास्ता साफ करते हुए स्वतंत्रता की राह दिखाई। भारत के ऐसे वीर योद्धा को मेरा शतशह नमन, शतशह नमन। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो का आनंद हमारे चैनल पर अवश्य लें। धन्यवाद।